क्या शब्द बोला था, मटर पे अधर चले चाके। मटर क्या है? यह गोल भूमंडल है, बिल्कुल गोल है पृथ्वी। विज्ञान में बच्चों को भूगोल में पढ़ाया जाता है पृथ्वी गोल है, यह है मटर, और चाकी चल रही है माया की। ये शीलेश फौजी, उनकी तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए है, और 100-100 रुपए सभी शास्त्री मंडल को है। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद। श्रीमान विजयपाल सिंह फौजी, उनकी तरफ से 200 रुपए का पुरस्कार है हमारे लिए, भगवान सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद। ये भागवत कथा में जो दान दिया है 500 रुपए, भोले आड़त वाले हैं, हिंद खुदा, धन्यवाद। देखिए ये माया की जो चाकी चल रही है, आपने देखा होगा, पढ़ने वाले बच्चों ने भी देखा होगा, इसके ऊपर एक दोहा लिखा था कबीरदास ने, चलती चाकी देख के और गयो कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में और साबित वचन। लेकिन इस दोहा को पलट दिया किसने? कबीर के बेटा कमाल खान ने पलट दिया था। उन्होंने दोहा अपना लिखा कि पिताजी चाकी चाकी सब कहीं और मानी कहे न कोई। मानी देखिए, वो बीच में कील होता तब पाट लटको हो तो चाकी को, अब तो चाकी है ना, जाने का बालक तो नहीं, चाकी है ना, देखिए हैं तो पुराने न मानो बड़ी बूढ़े मालूम है, जो नई बेटरिया ने एक ना मालूम चाकी को मतलब का है। बेटी एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, अगर अपने स्वास्थ्य को बढ़िया चाहती हूँ, अपने शरीर को हमेशा सुंदर चाहती हूं, तो चाकी चाहे भले ही 10 मिनट चलाओ पर रोज आना चाहिए, गारंटी अगर शरीर में रोग पैदा है जावे तो। उन्होंने दोहा को पलट के लिखा, चाकी चाकी सब कहें और मानी कहे न कोई, और जो चुपटे बा की लते तक बालन बा को मानी। देखिए अच्छा, तुम पाटे उठा के देखियो, कछु दाने व कील के आसपास चुपट जाते हैं, और तुम चकिया कितनी घुमाइयो बेदाने ना किसी में, वो कील क्या है, वही तो ब्रह्म है, वही तो ब्रह्म है। जो जीव या माया की चाकी को छोड़ करके उस कील रूपी ब्रह्म से जाकर के लग जाता है, वो जब माया की चाकी से बच जाता है। ये संकेत किया, लेकिन वो पापिनी नहीं मानी। जब नहीं मानी तब कही उसने, जब लौट के चलिए तब, बहन जी सुनो, मेरे बेटा को बचवैया तब राम हुई है, पर तुम कसर मन छोड़ना। और जब निकल के चली है और तब बोलिए क्या, अरे मेरा बेरे जइयो नानाती मेरे राजा जी को न्याओ, मेरा बेरे जइयो नानाती मेरे राजा जी को न्याओ, अरे राजा जी को न्याओ मेरे सैया जी को न्याओ, मेरा बेरे मेरा बेरे मेरा बेरे जइयो नानाती मेरे राजा जी को न्याओ। अरे सासु जने बहु पी रह रे ओ नंद पनीरी खाए, सासु जने बहु पी रह रे ओ नंद पनीरी खाए, सुर हमारे
अच्छा करे। सोता बंधु अब पापनी पकड़े बैठी है गोद में। अरे बुलाइए पे राम है कहाँ रहते है आज म्यू तो देख लू। तो प्रहलाद ने दोनों हाथ जोड़े, बुआ जी कैसी बात कर रही हूँ, एक बात बताऊं तुम्हें। देखिए 7 वर्ष का बेटा गोद में था और वो पापनी मारने बैठी है और बोला क्या है बेटा, अरे राम राम प्यारो बुआ जी मोए मत मारो, मत मारो मत मारो बुआ जी मोए मत मारो। चली गई और पहला जी भगवान का ही भजन कर रहे हैं। बुआ जी अब ही मान जाओ, अब ही मान जाओ। ओरे तू अपने राम है बोला बोला